उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में एडीजी और डीआईजी की संयुक्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने नरही इलाके में रात में छापा मारकर वसूली में लिप्त पाए गए पुलिस कर्मियों और दलालों को मौके से ही दबोच लिया। इस दौरान कुछ रिश्वतखोर भागने में सफल हो गए। घटना के बाद योगी सरकार ने गुरुवार को बलिया के एसपी और एडिशनल एसपी का तबादला कर दिया, साथ ही डिप्टी एसपी सदर को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, वसूली कांड में शामिल आरोपी पुलिसकर्मी, सीओ, एसएचओ, चौकी इंचार्ज व अन्य की संपत्ति की विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए हैं। दरअसल यूपी बिहार की सीमा पर बलिया के नरही थाना क्षेत्र के भरोली चौराहा पर रात एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मौर्या ने और डीआईजी आजमगढ़ जोन वैभव कृष्णा ने छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी ट्रक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे थे और वो खलासी बनकर बैठे थे। इस दौरान पुलिस वाले ट्रक चालक से अवैध वसूली करते पकड़े गए। ऐसे में मौके से ही ट्रक से वसूली करते हुए दो पुलिस वालों और 16 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कई सिपाही फरार होने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने यह रेड गोपनीय रखी थी, इसकी सूचना एसपी बलिया को भी नहीं दी गई थी। वहीं दरोगा थाने में उगाही का हिसाब देख रहे थे, जैसे ही पुलिसकर्मी को पता चला कि डीआईजी और एडीजी की टीम ने रेड किया है, सभी पुलिस वाले थाना छोड़कर भागने लगे। यही नहीं, कोतवाल तक फरार हो गए। डीआईजी के मुताबिक इस वसूली के धंधे में लिप्त 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें दो पुलिसकर्मी हैं और बाकी आम नागरिक। ये पुलिस के नाम पर दलाली और उगाही का काम करते थे। उन्होंने बताया कि रेड की यह कार्रवाई सादी वर्दी में हुई।